हाय व्यूअर्स, दिस इज बीना जे. आई एम योर स्किन केयर स्पेशलिस्ट और लेजर टेक्नीशियन. आज मैं आपको रेडियो फ्रिक्वेंसी के ऊपर थोड़ा सा ये डेमोन्स्ट्रेशन करूंगी और बताऊंगी कि व्हाट इज डज रेडियो फ्रिक्वेंसी फॉर अस. रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है, इसका ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव है 40 प्लस के लिए और 50 प्लस के लिए. ये बहुत जबरदस्त है, लेकिन अगर आप कहें कि ये 60 प्लस या 70 में काम करता है तो बहुत स्लो है. तो इसका मैं हाईली रिकमेंड करती हूं कि 40 प्लस जो है वो इसका ट्रीटमेंट लें, तो आप देखेंगे कि आप 10 ईयर्स आपको यंगर इससे फीलिंग्स आएंगी, आपको देखेंगे विजिबल इसके रिजल्ट देखेंगे. तो ये जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है क्या, कैसे काम करता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जो हीट प्रोड्यूस करता है. और इसकी जो एनर्जी है, ये जब आपको हीट इंक्रीज करता है तो इसको एक्चुअली इसको इस प्रमोट ये जो कॉलेजन एंड एलास्टिन जो है वो आपकी डर्मा स्किन में प्रमोट करता है, डिवेलप करता है. और उसके बाद आपकी स्किन जो है टाइम के साथ साथ आप देखते हैं ग्रेजुअली इसके आपको रिजल्ट नजर आते हैं कि ये कैसे एकदम से आपकी स्किन जो है वो फ्लॉलेस नजर आती है. आपकी जो फाइन लाइंस हैं वो डिमिनिश होती हैं, जो सैगी स्किन है, जो ड्रूपी स्किन है अराउंड लिप्स, वो ड्रूपी जैसे बन जाते हैं. ये वो उसको बहुत अच्छे से दोबारा अपनी जगह पे वापस लेके आता है. और इसके जो आपने ट्रीटमेंट है वो आपने मंथली बेसिस पे लेने हैं. कम से कम आपको 4 ट्रीटमेंट इसके चाहिए और 1 साल 2 साल के लिए आपकी स्किन बहुत अच्छी स्किन रहती है. और उसके साथ फिर आप दूसरे छोटे छोटे ट्रीटमेंट्स हैं और बहुत सारे हैं, हाई फ्रिक्वेंसी के हैं और इसके अलावा बहुत सारी डिफरेंट टेक्नोलॉजी आ चुकी हैं, तो आप वो ले सकते हैं. तो इसके साथ आप अपनी देखेंगे कि टाइटनिंग एंड मिनी फेस लिफ्ट आपको ये लगेगा कि आपने करवाया है. तो जो फोटो एजिंग और यूवी रेडिएशन जो होती है उसको भी ये बहुत अच्छे से आपका, क्योंकि ये नॉन इन्वेसिव है और नॉन सर्जिकल ये ट्रीटमेंट है, तो इसको कोई डाउन टाइम नहीं है, तो इसका ये बहुत आपको रिजल्ट इसके अच्छे मिलते हैं. तो व्यूअर्स, आपको मैं दिखाती हूँ कि इसको कैसे यूज करना है. जी, ये मैं सारा वो लगा रही हूँ, ये जो है जेल. जेल लगाने के बाद मैं इसकी एक वो मैंने एनर्जी इसकी सेट की है पूरा सेटिंग करके. तो इसको अब मैं तकरीबन 35 मिनट्स के लिए फेस के ऊपर करूंगी. ये अपनी जो मेरी ये है आईब्रो, आई लिफ्ट के लिए बहुत अच्छा है ये. आपकी ड्रूपी ये जो अराउंड आपके लिप्स के हैं लाफ लाइन, उनके लिए बहुत जबरदस्त है, आप देखेंगे. और ये तकरीबन 45 मिनट्स या 35 to 45 मिनट्स के लिए यूज करते हैं. और इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो है मोनोपोलर, एक मोनोपोलर है, एक मोनोपोलर मल्टीपल मोनोपोलर है, जो कि मेरा जो है मल्टीपल मोनोपोलर है, जिसकी टेक्नोलॉजी आपको ये बहुत कंफर्टेबल आपको लगती है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे लगता है कि वार्म मसाज की जा रही है. जो मोनोपोलर है उसका थोड़ा सा पेनफुल और थोड़ा अनकंफर्टेबल उसका ट्रीटमेंट होता है. तो ये आप जब जाएं क्लिनिक पे तो आप पूछें कि आपके पास मोनोपोलर या वो दूसरा है मल्टीपल पोलर जो है वो टेक्नोलॉजी है कौन सी है. तो इसका फेस लिफ्ट जो है, इट्स टाइटन योर स्किन और ये सैगी एंड ये इट्स रिमूव द फाइन लाइंस. और आप देखेंगे कि विद इन 4 सेशन आप देखेंगे कि आपकी फाइन लाइंस सारी डिमिनिश कर देगा, आपकी ये जो सैगी या ड्रूपी अराउंड योर लिप्स, ये जो है लाफ लाइन, इनको अपनी जगह पे वापस लेके आता है. और आई मीन ओवर ऑफ द टाइम ऑफ पीरियड जो आप देखते हैं कि ग्रेजुअली कैसे ये आपकी इलास्टिसिटी, आपके जो कोलेजन प्रोडक्शन है, किसने कैसे उसको रैपिडली चेंज करता है और उसको एकदम रिजुविनेट हो जाती है आपकी स्किन. और ऑलमोस्ट 1 ईयर के लिए या 2 ईयर्स के लिए कहते हैं, लेकिन 1 ईयर्स के लिए, 1 ईयर के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है. उसके बाद आप दोबारा से करवा सकते हैं. और व्यूअर्स, इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप धूप में बाहर निकलें, अपना सनस्क्रीन इसके साथ ज़रूर लगाएं. आप जितना हो सकता है अपने आप को हाइड्रेट करें, चाहे वाटर से, चाहे रोज वाटर से, चाहे किसी भी हाइड्रेटिंग स्प्रे से.
और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, फ्लोर जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा लें, अपनी स्किन को हाइड्रेट रखें तो आपकी स्किन हेल्थी और ग्लोइंग नज़र आएगी। और इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ अपने कमेंट लीव करें, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और इस ट्रीटमेंट का बताएं कि ये ट्रीटमेंट जो है बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि जाके फिलर्स करवा लें, ये कर लें, उसके निस्बत आप ये ट्रीटमेंट लें, ये बहुत अच्छा है और ये हाईली रिकमेंड मैं करूँगी कि ये 40 प्लस के लिए ज़बरदस्त है, 50 तक बहुत अच्छा है, उसके बाद जब आप 60 या 70s के लिए मैं रिकमेंड करूँगी थ्रेड लिफ्ट करवाएं, हाइफो करवाएं डिफरेंट। तो इंशाल्लाह मिलते हैं।